नगर के निकट पहुंचकर भगवान शिव ने देवर्षि नारद को हिमाचल के घर भेजा। उन्होंने हिमाचल को बारात के आगमन की सूचना दी। हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शिव मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बहुत सारा सामान एकत्र करके तथा ब्राह्मणों एवं पर्वतों को साथ लेकर वे भगवान सदाशिव की अगवानी करने चले। ऋषिभारुण भगवान शिव का दर्शन कर हिमवान धन्य हो गए। करोड़ों कामदेवों की छवि को मलिन करने वाले महेश्वर की शोभा अद्भुत थी। उनके दिव्य अंगों के प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। उनका श्री अंग नूतन रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का दिव्य मुकुट नाना रत्नों से जुड़ा हुआ था, जिससे आंखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश निकल रहा था। आभूषण बने हुए सर्प उनकी अंग कांति को द्विगुणित कर रहे थे। गिरिराज ने सबको सादर प्रणाम किया। तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा से बारात की आगवानी करते हुए वे अपने नगर की ओर चले। हिमवान के पीछे महादेव जी अपने बारातियों के साथ शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। पार्वती की माता मैना के भीतर अहंकार था। महेश्वर शिव उसे नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुंचे, हम पीछे से आएंगे। शिव जी की आज्ञा शिरोधारी कर सर्वप्रथम भगवान विष्णु हिमवान के द्वार पर पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न थे। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहा था। उन्हें देखकर मैना के नेत्र चकोर बन गए। उन्होंने प्रमुदित होकर नारद जी से पूछा, नारद, क्या यही मेरी शिवा के पति हैं? नारद जी बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं, ये तो भगवान श्री हरि हैं। ये भगवान शिव के संपूर्ण कर्मों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। शिवा के पति तो इनसे भी बढ़कर हैं। उनकी शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार एक एक करके सभी देवता आते, मैना उनका परिचय पूछती और नारद जी उनको महेश्वर शिव का सेवक बतलाते। मैना हर्षमग्न होकर अपने तथा पार्वती के सौभाग्य की सराहना करने लगी। उसी समय मैना का अहंकार चूर्ण करने के उद्देश्य से अद्भुत वेश में परमेश्वर शिव पधारे। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर और भी अद्भुत थे। कुछ के मुख टेढ़े थे तो कुछ अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ लंगड़े थे तो कुछ अंधे, कुछ के मुख ही नहीं थे तो कुछ बहुत मुख वाले थे। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए थे। उनके बीच में भगवान शंकर वृषभ पर सवार थे। उनके पांच मुख थे और प्रत्येक मुख पर तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर जटाजूट, गले में सर्पों की माला, 10 हाथ, हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखें भयानक, विचित्र वेश था शिवजी का। अपने दामाद का यह रूप देखकर मैना के हाथ से थाली छूट गई। भय से व्याकुल होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। मैना का अहंकार मर्दन कर भगवान शिव ने उन पर कृपा की। उन्होंने करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला दिव्य स्वरूप धारण किया। उस परमानंददायक शिव स्वरूप का दर्शन करके मैना धन्य हो गई। वे अपने दामाद की शोभा देखती हुई उनकी आरती उतारी और घर में चली गईं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।